बिल्कुल पीछे नहीं देखा भाई, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई खौफ ही नहीं है। एक तरफ हमने डिवोशन पे ट्रस्ट किया है और एक तरफ हमने वैक्सीन पे भी ट्रस्ट किया है, वैक्सीन भी लगवा ली है। लेट्स सी, तो दोनों में से कौन जीतता है? लेट्स सी। पंगा हो गया रे, पंगा हो गया। हाँ प्रॉपर लखनऊ स्टार्ट हुआ नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक देखो। इकलौती ऐसी नदी है यूपी की जो कि प्लेन से निकलती है। Every day I still remember when I was really free and all the things I lived and the means of the things that I live. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose. Yeah. हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई आज डेट हो गई है 29 और आज हम आए हुए हैं भाई त्रिपाठी जी की ज़मीन देखने के लिए। बहुत ज़मीन जायदाद है हमारे भाई के पास। तो आज अभी रिसेंटली आंटी लोगों ने, मतलब त्रिपाठी जी की फैमिली ने एक प्रॉपर्टी ली थी और आज हम उसका क्या जायज़ा लेने आए हैं, ओके। तो बेसिकली लखनऊ के आसपास का ही इलाका है और इनमें से ही एक है। अब इनको भी नहीं पता, पता नहीं कैसे आदमी है। टाइम हो गया यार, इसमें 6-7 बन गए मेरे को, पता नहीं कौन सा इसमें से हुए। तो काफ़ी सारे इसमें अब हो गए, प्लॉटिंग हो गई है, तो इनमें से कोई सा एक है। अब कौन सा है तो हम को भी नहीं पता, लेकिन हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर कोने में दिख रही है, एक ब्रिज। अब उस नीचे नदी है, नाला है, ये देखना पड़ेगा अभी जाके वहाँ पे। नाला आए हुए हैं, आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है, अच्छा लग रहा है, मौसम भी ठीक ही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। इसके बाद हमको जाना है थोड़ी सी शॉपिंग। आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ही फेमस जगह लखनऊ की जो कि है अमीनाबाद की मार्केट। तो भाई अभी यहाँ पर एक मुझे बिल्डिंग दिखी और उसको देखिए मुझे कुछ याद आ गया। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बेसिकली पार्थ रिपब्लिक की है। ये देखो पार्थ रिपब्लिक का अपार्टमेंट्स है पूरे। तो इन अपार्टमेंट्स में हम लोग रहे थे, टोटल 4-5 दिन हम लोग यहाँ पर रुके थे और कसम से जो मज़ा आया था। और क्यों रुके थे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग उस टाइम ODC करते थे। जो लोग होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, तो ODC बेसिकली क्या होता है कि आउटडोर केटरिंग सर्विस, उसमें हम लोग काम करते हैं किसी भी होटल के लिए। तो यहाँ पे रमाडा प्लाजा एक होटल है, एक 5-स्टार होटल है। तो उस टाइम पे यहाँ पे FHRI की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो तब हम लोग यहाँ पे आए थे। और वो 5 दिन हम लोग ऊपर की किसी उसमें से, मेरे को याद नहीं है, और हम बालकनी पे बैठ के जो मस्ती किया करते थे, पूरे जूनियर्स भी थे, सीनियर्स भी थे, सब लोग मिलके। कोई टीचर नहीं था हमारे साथ, कोई हमारे साथ मेंटर नहीं था, सिर्फ हमारे सीनियर्स और हम सब लोग एक साथ थे और जो मस्ती करी थी भाई। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे तो मुझे याद है कि अरे तो वही वाली बिल्डिंग है, होटल पीछे रह गया। तो वो दिखता नहीं है एक्चुअली, वो रिजॉर्ट प्रॉपर्टी था, वो फैली हुई प्रॉपर्टी है, वो ऊँची प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें कुछ दिखाने लायक था नहीं। बट दिस बहुत सारी इसमें याद है भाई, मतलब वो भी क्या टाइम था ना, कॉलेज में हम लोग काम करते थे और... तो भाई अभी हम लोग खड़े हैं लखनऊ के एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने। अगर यहाँ पे कुछ अभी टेक ऑफ या फिर लैंडिंग हो रही होती तो मैं बहुत अच्छे शॉट्स ले सकता था, बट अभी ना ही लैंडिंग हो रही है ना ही अभी कोई टेक ऑफ हो रहा है। तो हियर इट इज़, आई विल शो यू अंदर का नज़ारा कुछ। वो देखो इंडिगो के शायद प्लेन खड़े हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिगो ही है, और बाकी रनवे पे लाइट्स जल रही हैं। खैर रास्ते में था तो हमको लगा चलो दिखा देते हैं भाई, बाकी अभी कुछ हवा में कोई प्लेन दिख तो रहा है जो अभी आने वाला हो नीचे, तो चलो हम चलते हैं। हाँ प्रॉपर लखनऊ स्टार्ट हुआ नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक देखो। अभी हम लोग अमौसी का जो मतलब भाई एयरपोर्ट वाला जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में है और इतनी देर से यहीं पर फंसे हुए हैं, हाय राम क्या करें। अच्छा इसके आगे जो है मेट्रो स्टेशन कोई नहीं है, बट इसके आगे मेट्रो जाती है फिर रिवर्स लेके आती है। अच्छा मेट्रो स्टेशन आगे है, हाँ तो भाई करेक्शन करेक्ट कट। तो बेसिकली इस वाले मेट्रो स्टेशन से आगे जाती है और फिर डोमेस्टिक वाला जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जाकर रुकती है। यहाँ से वैसे जो इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट है वो पास में ही है, डोमेस्टिक वाले के लिए आपको थोड़ा सा अंदर से घूमना पड़ता है। एक चीज़ मेरे को लगती है, उन्होंने मेट्रो में जो कलाकारी दिखाई है ना, ये मतलब जो ट्रेडिशन को दर्शाया गया है लखनऊ नवाबों का शहर है भाई। आप ये देखो, दिस इज ट्रैफिक, दिस इज लखनऊ का ट्रैफिक।
ऐसा तो ट्रैफिक नहीं है, लखनऊ का ट्रैफिक है ये। भाई साहब हम इतनी देर से चल रहे हैं इस ट्रैफिक में, और तब अभी जाके थोड़ा सा आगे तो खुल रहा है ये। इतनी देर से मतलब कितने, एक दो मेट्रो स्टेशन में क्रॉस कर दिए अभी तक, हद्दी हो गई। अरे देखो कोई ग्राउंड स्टाफ जा रहा है भाई, एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ जा रहा है इंडिगो का। ये तो ठीक है, लोग बोलते हैं कि अरे लखनऊ में कहाँ ट्रैफिक होता है, कभी आओ दिल्ली, कभी आओ मुंबई। आई नो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आई नो ये कंपैरिजन की चीज़ नहीं है, बट यहाँ भी ट्रैफिक होता है, बहुत गंदा ट्रैफिक होता है, बहुत ही गंदा ट्रैफिक। Disappearing, looking for light. Listen, the time for you. Yeah, I'm wide awake for real. कुछ लिए नहीं भाई, ये है कोरोना का। इधर पैर रखने की जगह नहीं है भाई। पहली चीज यहाँ पे काम होता हुआ कॉलेज की बुक है। हाँ, तो ऐसी कौन सी बुक है? मापन मूल्य। ओह अच्छा, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओह नहीं समझे, ये टीचिंग वालों की है। मार्क्स, बच्चों को मार्क्स कैसे दिए जाए इससे सीखें, वो नहीं है। कैसे आप उनको, हाँ बच्चों कैसे इवैल्यूएट आप करोगे, कैसे आप उनको चेक करोगे कि कैसे वो बच्चा जो है ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है भाई, किस स्पीड से, किस हाथ में। तो भाई पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे बिल्कुल यार टीचिंग। दिस इज द फेमस मार्केट ऑफ लखनऊ भाई, ये है, इसको बोलते हैं अमीनाबाद मार्केट। अभी आपने देखा था कितना अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक लगता है, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी कोरोना की वजह से बंद है, वरना यहाँ पे गाड़ी लाना इज़ इम्पॉसिबल। ये एक किलोमीटर बाहर खड़ी होती है, हम लोग पैदल पैदल अंदर आते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसमें सारी बुक्स वगैरह मिलती हैं सारी की सारी। अब हम आ गए हैं दूसरी जगह पर, उधर से अभी हम लोग आए बुक बुक लेके, तो आंटी जी के लिए हम कुर्ता खरीदेंगे, कुर्ती। भाई ओरिजिनल आर्टिकल्स मिल रहे हैं जॉकी के और रिबॉक के, 50 रुपये में ले ले भाई। अंकल कोई सब ले ले भाई, सब ये ले ले, एक मैं भी ले लूँ एडिडास में, निक नाइकी लूँ, एडिडास ले लेते हैं। पहले चल के देखने दो चार, उसके बाद में बोल रहा हूँ। हेलो भाई, आई नो आप लोग बोलेंगे कि भाई कोरोना काल में ऐसे क्यों पब्लिक में घूम रहे हो, बट क्या करें, काम है तो है, शॉपिंग करने आए हैं तो आए हैं, बाकी ख्याल रखेंगे और क्या, सैनिटाइज वनिटाइज करेंगे, मास्क हम लोगों ने लगाया हुआ है, गर्मी हमें लगी रही है, और गर्मी हमको लग रही है, कोरोना क्या है, इंसान मरने को रेडी है तो कोरोना तो क्या ही बचेगा इसमें। आप कुर्ते देख लेते हैं यहाँ पर, देख लो भाई एक और चीज़ शॉपिंग डन, मतलब इंसान मतलब आदमी कुछ भी कर सकता है ना। देखो अपने लिए भी शॉपिंग कर ली 2 मिनट में, अभी लड़कियाँ होती तो यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो 2 मिनट। चलिए भैया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा पैसे मेरे पास है ना, बिना पैसे दिए अभी भैया को जा रहे थे, बताओ पैसा भी नहीं है यार के सामने से निकल जाएंगे। बताओ त्रिपाठी जी क्या कर रहे हो यार, कहाँ हो तुम आज खोए हुए। चलिए धन्यवाद भैया जी, मेरा पैसा दिया चल रहे थे तुम यार, क्या बात यार, गलती हो गई। तो हम लोगों ने कोई हमसे पूछेगा ना कि हमने शॉपिंग कहाँ से करी, बस वो जो मानीवर नहीं है, मानीवर बस 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 मानीवर है ना, जानते हो ना, बस उसके सामने क्या इतने इतने मास्क पड़े, क्या करेगा यार, दुकान लगाएंगे तो तू भी यहाँ बैठ जाए कल से। यहाँ पे नहीं बल रहा पर बैठूँ, मतलब जितनी बार भी मार्केट में आना उतने बार एक मास्क लेने क्या, मास्क लेने क्या, मास्क लेने क्या, फैशन हो गया मास्क, कपड़ों के हिसाब से मास्क चेंज करना पड़ रहा है आजकल। वो हमें चाहिए था वही, तो बस वो लिया है। लोग आए मुश्किल से 5 मिनट रुके होंगे, बस 5 मिनट आए, फट फट चक्कर देखा, यूज़ किया, ले लिया, चल गए। अगर अभी हम लोग मम्मियों के साथ आते ना, तो चलो इस गली के अंदर भी चलो, उस गली के अंदर भी चलो, उस गली के अंदर भी चलो, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। देखो पता है हमें कि लेना यही है, लेकिन चलो मार्केट देख लेते हैं, पता नहीं कुछ पसंद आ जाए, कुछ पसंद आ जाए। बस इसीलिए लड़के जो होते हैं वो अपना टाइम बहुत प्रोडक्टिव वे में खर्च करते हैं। बिल्कुल पीछे नहीं देखा भाई, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई खौफ ही नहीं है भाई साहब, वही तो देखा, मतलब क्या ना ही बैग शीशा लगाया है ना कुछ। और एक और चीज़ बताऊँ तो ये जगह जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अमंग टूरिस्ट,
अगर अगर कोई भी टूरिस्ट आता है इस जगह पर, मतलब इंडिया में या लखनऊ में, तो उनको अमीनाबाद वहाँ पर सजेस्ट की जाती है, वो लोग यहीं से शॉपिंग करके आते हैं लोकल चीज़ें, जैसे जूते वगैरह हो गए, बांस की चीज़ें हो गई, पंगा हो गया, पंगा हो गया। पंगा हो गया भाई, पंगा हो गया। ये होता है भाई, ये बंदे ने कहाँ डाली भाई गाड़ी। अरे प्रभु, अमेरिका से आए हो क्या? अच्छा, इसी तरफ चलाते हैं ना हम गलत चल रहे हैं। अच्छा, तो मेरी गलती है मतलब। अरे उद्धव, कहाँ गाड़ी चला रहे भाई? उस तरफ चलती है गाड़ी, वो देखो फोन में बिजी है अपने। सर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो बंद कर लो सर। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं गलत चला रहा हूँ, जाम लगा है। अरे वाह, अरे हाँ, आज बड़ा मंगल चल रहा है भाई, तो मंगलवार को यहाँ पे देखो चल रहा है भाई, ट्रैफिक लग जाएगा। आओ हम भी पी ले यहाँ थोड़ा। फिर बड़ा मंगल के खूब सारे ऐसे लगते हैं जिसमें लोगों को राह चलते लोगों को कुछ कुछ खाने को या पीने को दिया जाता है। तो वे आर हैविंग दिस, क्या है ये वैसे? यार यही तो पीने को बोल रहा था मैं, कभी चल के क्या पियेंगे। नाम पन्ना भैया है क्या ये? ये पन्ना जाता है बहुत हरामी पन्ना। तो बेसिकली यहाँ पे कालिका माता का मंदिर है अंदर, और देखिए कालिका माता का मंदिर है, तो हर मंदिर के बाहर ट्यूसडे को ऐसे लगाया जाता है। कई लोग यहाँ पे भी बोलेंगे कि भाई कोविड है, ऐसे क्यों पी रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बट यार कुछ चीज़ें जो होती है ना, जैसे तीसरा ग्लास। अब इसमें भी कुछ लोग अभी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भाई कोविड चल रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू ड्रिंकिंग बाहर का चीज़, ऐसा ऐसा रिपब्लिक में। बट समटाइम्स डिवोशन इज ग्रेटर देन एवरी अदर थिंग, सो भाई जो है वो है। देखो, एक तरफ हमने डिवोशन पे ट्रस्ट किया है, और एक तरफ हमने वैक्सीन पे भी ट्रस्ट किया है, वैक्सीन भी लगवा ली है। लेट्स सी, तो दोनों में से कौन जीतता है, लेट्स सी। हाँ, तो बता दें कि बेसिकली हर ट्यूसडे को इस मंथ में क्या होता है कि हर ट्यूसडे को किसी भी मंदिर के बाहर, फिर चाहे वो हनुमान मंदिर हो, कालिका मंदिर हो, या कोई मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहाँ उनके बाहर ऐसे ही लगाए जाते हैं। इस टाइम पे मैंने वो ही देखा है, पूरी छोला वगैरह बहुत कम पूरी छोला वगैरह, हाँ नहीं कम थे, बट जानते हो ना हमेशा मिलता था। अभी लास्ट पे मेरे घर के पास में हाँ पूरा खाना खिला रहे थे, पूरा खाना बाकायदा एक बुफे रखी है और मस्त प्लेट वेट दे के रखी, सब खा रहे वहाँ पे। मैंने कहा यार ये सही था, छोला पूरी, हलवा पूरी, छोले चावल हाँ। कहीं कहीं पे तो आइसक्रीम भी। अच्छा एक और चीज़, कई लोग हमारे वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बलरामपुर नाम कई बार सुना होगा। बलरामपुर बेसिकली अपने हेरिटेज के लिए बहुत फेमस है, तो उसी बलरामपुर से जहाँ से हमारे त्रिपाठी जी है, यहाँ से बलरामपुर 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे देखो बलरामपुर का एक हॉस्पिटल है, हाँ बलरामपुर हॉस्पिटल है, बलरामपुर हेरिटेज की प्रॉपर्टी यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर नहीं, इवन नैनीताल में भी, पता है नैनीताल में भी एक होटल है बलरामपुर हाउस। तो बलरामपुर जो है बेसिकली वहाँ के जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, तो उन्हीं का एक हाउस जो था, उन्हीं का एक घर जो था फार्म हाउस टाइप का, वो नैनीताल में भी है, और वो अब एक रिजॉर्ट की तरह काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडियन हेरिटेज को दर्शाती हैं। नीचे गोमती नदी बह रही है, और ऊपर यहाँ पे फेमस हनुमान सेतु मंदिर है लखनऊ का, आप लोगों ने सुना होगा कई बार न्यूज़ में, आपने इसका नाम सुना होगा हनुमान सेतु। बंदर है यहाँ पे भी भंडारा चल रहा है, देखिए आइसक्रीम का। अरे ओ भाई, डब्बा डब्बा जा रहा है भाई। देखो भंडारा, आइसक्रीम का भंडारा चल रहा है भाई, आइसक्रीम का। यहाँ पे भी चल, यहाँ पे तो खत्म हो गया अभी। देखो भाई वो जा रही है गोमती नदी, वैसे भी हम उसके बगल में ही जाने वाले हैं। तो ये है भाई लखनऊ की फेमस गोमती नदी। आप लोगों को पता हो कि यूपी की सारी ही नदियाँ जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ से निकलती है, उत्तराखंड से या फिर बाकी जगह से आती है, बट ये इकलौती ऐसी नदी है यूपी की जो कि प्लेन से निकलती है, जो कि पीलीभीत से इसका ओरिजिन है। तो फन फैक्ट, तो पता है आज क्या हुआ? हम लोग भी जब लेके आए थे ना प्याज टमाटर, तो पहले बड़े मैंने पूछा, हाँ भैया टमाटर कैसे दिए भैया इतने के, मैं प्याज कैसे दिए भैया इतने के। उसके बाद वो बड़े मैं पहले ऐसे बड़ा था, हाँ बताइए कितने देते, मतलब एक एक पाव भैया, दो लोग हैं भाई, कितना खा लेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी हो गया। आज हमारे बावर्ची भैया हैं, हमारे त्रिपाठी जी, आज बना रहे हैं हम फिर से जो कि यूपी में बोला जाती है तहरी। ये जबरदस्ती वाली बावर्ची बनाई गई, और कोई बात नहीं। तो क्या आप बनाओ भाई, तुमको आता है?
अब इनको आता है तो हमने बोल दिया इनको भाई आता है तो आता है। सही बात है, सीखना ही नहीं चाहिए ना कुछ। देखो गाड़ी चलाना सीख जाओ तो घर के ड्राइवर बन गए, काम ऐसा करो कि दूसरा सामने वाला कहीं ना पाए अगली बार करने को। वही चीज। अबे इसमें जीरा डाल दे तो दूध में जीरा डाल दिए, जीरे वाला दूध। आजा भाई तेरे जीरा जीरा दूध पिलाते हैं। बहुत टेस्टी होता है, ट्राई करके देख एक बार। जीरा, जीरा दूध। अरे ट्राई तो करके देख, प्रोटीन शेक में अपना जीरा डालना थोड़ा सा, बहुत टेस्टी भाई। एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। और तुम्हें देखे मेरे 50 रुपए के वो लेके आया मैं सॉक्स में एडिडास। देखो एडिडास ही है, अभी बास तो नहीं है, अभी बास नहीं लिखा था एडिडास ही है। ये होते हैं लड़के, ठीक है, ये होते हैं लड़के। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि ब्रांडेड 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 लड़के ऐसे होते हैं, एलपी का सूट भी पहनेंगे, टॉमी हिलफिगर की जीन्स भी पहनेंगे और 50 रुपए के कहाँ गए मेरे वो, और 50 रुपए के सॉक्स भी पहनेंगे। बनाना अच्छा बनाना, चावल कौन भिगाएगा है तू? मतलब मसाला पहले डाल दिया, चावल भिगाने की कैसा बावर्ची है नकली। भूल गया भाई कि तवे पे चावल पड़ता है। वाह भाई, ये प्याज भून के खिलाने वाला था हमको। ये प्याज टमाटर खिलाने वाला था हमको। हाँ अरे हाँ, ये भी भाई मैंने बताया नहीं ब्लॉग में, हम भूल गए भाई भी। आज क्या हुआ, जब अभी हम लोग लेके आ रहे थे प्याज और टमाटर, तो प्याज टमाटर लेके दूध वाली शॉप तक आए, वापस से दूध लिया और पैदल 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 वापस आने लग गए। अचानक से बाद में, जबकि चाबी हाथ में घुमा रहा हूँ भाई, तो उसके बाद में आ जाए कि अरे बाइक से आए थे हम लोग, फिर वापस गए, फिर बाइक लेके आए। अगर मैं अकेला होता मैं करता रहा था उस टाइम पे, पूरी उम्मीद है वो तो इसको याद आ गई कि भाई बाइक से आए थे। हमारे बावर्ची फिर हमारे हेड शेफ बन गए, इन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिए और फाइनली हमने जो है कुकर में खाना रख दिया है। तो हमारा खाना जो है वो परफेक्टली बन रहा है, एडिटिंग हमको स्टार्ट करनी है। तो बस आज लोग में इतना ही रखते हैं, अभी हम लोग खाना पीना खा लेंगे। तो ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आई होप आप लोग को मजा आया होगा, जैसे भी लगा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलेंगे कल को नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी, अपने घर वालों का भी। बाय।